नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज में आपका स्वागत है। न्यूज ब्यूरो से मैं निखिल। कोरोना संकट के बीच सोमवार को 75 दिनों के बाद बिहार के सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। वहीं पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भी भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से भक्तों की पहले जैसी भीड़ नहीं दिखी। महावीर मंदिर में काम करने वाले वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन से पहले आम दिनों में रोजाना करीब 25,000 से ज़्यादा लोग भगवान के दर्शन करने आते थे, आज 2 से 2,500 लोग ही आए हैं। अभी कई नई ट्रेनों का परिचालन नहीं हो रहा है और इस वजह से अगले कुछ दिनों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ट्रेन में यात्रा करने वाले कई लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मंदिर में पूजा करने वाले लोगों को पुलिसकर्मी और समिति के सदस्यों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। लोगों को एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखने की अपील की जा रही है। इसी के साथ आज मंदिर को खोला गया और पूजा अर्चना की गई और आम लोगों के लिए भी मंदिर को खोल दिया गया है, जिसमें आम जनता पहुंचकर भगवान महावीर की पूजा कर सकती है। भक्तों को मंदिर में आना जाना, ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग आते हैं, भक्त बुजुर्ग ही होते हैं, वैसे में उन लोगों को सोशल मीडिया या इस तरह से वेबसाइट से अपना दर्शन के लिए जो अनुमति है नहीं मिल पाता है। वैसे बुजुर्गों के लिए कुछ मंदिर प्रशासन अलग से कुछ ऐसा है, जो लोग बहुत लोग हैं जो प्रतिदिन आते हैं, 6 से 7 का जो समय है उन लोगों के लिए दिया गया है। अपना चाहें तो 6 से 7 के बीच में कोई प्रतिबंध नहीं है, मंगल के दिन आना चाहें। मंदिर का प्रसाद जो नवेदम जो है काफ़ी विख्यात है, तो उसके